हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ सारिका। आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और यमी मसूर दाल के पकौड़े। ये बहुत ही झटपट से एकदम कम समय में और कम सामग्री से तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने बोल में 200 ग्राम मसूर दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। इसे मिक्सर जार में पीस लेते हैं। इससे पहले 2 चम्मच हम इसमें बाहर निकालेंगे। ये मैं क्यों निकाल रही हूँ आपको मैं बाद में बताती हूँ। अभी इसे मिक्सर जार में डालते हैं। अभी इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। अगर आप खाना नहीं पसंद करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच पानी। हमें इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें थिक बैटर बनाना है। अभी इसे ढककर अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। हमें इसे पतला नहीं करना है, जिससे हमें पकौड़े बनाने में दिक्कत हो। अभी इसे बोल में ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने बैटर को बोल में ले लिया है। अभी इसमें मसाले डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अभी इसमें डालेंगे भिगोई दाल। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। और अभी हम लास्ट में डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। चलिए पकौड़े बनाते हैं। एक कढ़ाई में तेल लिया है, जो अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें एक एक करके डाल के हम पकौड़े फ्राई करते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम जो है हमें मीडियम रखना है। हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, क्योंकि जो हाई फ्लेम पे फ्राई करें बाहर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो हम मीडियम फ्लेम पे जो फ्राई करेंगे, जो अंदर से भी एकदम क्रिस्पी बनेंगे, बाहर से भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो हमें इसे लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। देखिए, हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। अभी इसे हल्के हाथों से पलट देते हैं। देखिए, पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए अभी इसे प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसी तरह बाकी के पकोड़े बना लेते हैं। ये देखिए, सारे पकोड़े तैयार हो गए झटपट से, लग रहे हैं एकदम टेस्टी एंड क्रिस्पी। आप मन चाहे सुबह या शाम नाश्ते में बना सकते हैं, और आप इसे कोई भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये मसूर दाल के पकौड़े कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।